अक्सर उम्र ढलने के बाद या नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद व्यक्ति घर पर बैठ जाता है। नौकरी के बाद अगर उसको पेंशन मिलता है तो ठीक है, वरना पूरा दिन काटना मुश्किल हो जाता है। मगर आज हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल हाईटेक पौधशाला संस्थान को विगत 7 सालों से चलाने वाले सरोज सिंह की, जो एग्रीकल्चर से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। 60 वर्षों तक कृषि विभाग में अपनी सेवा देने के बाद कृषि से लगाव कम नहीं हुआ है। नौकरी से रिटायर होने के बाद सरोज सिंह ने विभिन्न प्रकार के हाईटेक पौधों को उगाते हैं और उसको अच्छी खासी उससे कमाई भी करते हैं। कृषि विभाग में अपनी सेवा देने के बाद सरोज सिंह ने देवरिया के हिरंदापुर में पूर्वांचल हाईटेक पौधशाला का निर्माण किया, जिसमें विभिन्न प्रजातियां जैसे सब्जियों के, फलों के, फूलों के इत्यादि को उगाकर कृषि से लगाव उन्होंने कम नहीं किया है और इससे वो अच्छी खासी कमाई भी करते हैं। हिरंदापुर के बाद कुछ वर्षों के बाद अब इन्होंने देवरिया गोरखपुर के मुख्य मार्ग पर भी हाईटेक पौधशाला को खोल रखा है। जब हमने सरोज सिंह से बातचीत की तो उन्होंने बताया पूर्वांचल हाईटेक पौधशाला संस्थान अब आम, अमरूद, केला, आंवला, अंगूर जैसे विभिन्न पौधों की प्रजातियां इनकी पौधशाला में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही साथ सब्जियों में भी कुहड़ास, प्याज, लहसुन जैसे हाईटेक पौधे उपलब्ध हैं। फूलों में भी गुलाब के विभिन्न प्रजातियां सरोज सिंह ने उगाए हैं, जो बेहद कम दामों में उपलब्ध हैं और बहुत दूर दूर से हाईटेक पौधशाला में लोग आते हैं और अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए ले जाते हैं। कब से ये कर रहे हैं और कितनी प्रजातियां हैं और कितनी अर्निंग हो जाती है? 2017 से हम कर रहे हैं और गुलाब की हमारे पास जो है 100 प्रजाति है, आम की कम से कम 10 प्रजाति है, नींबू की 5 प्रजाति है, आंवले की 5 प्रजाति है और इससे अर्निंग करीब हमारे 30,000 रुपया महीना हो जाती है। अन्य पौधशालाओं से हमारे सारे पौधे भिन्न भिन्न हैं और हाईटेक जो है सारे पौधे हैं। कैसे तैयार करते हैं? हम जो है कटिंग से तैयार करते हैं, बॉडिंग से तैयार करते हैं, कलम बांध के तैयार करते हैं और गुलाब की जो है बॉडिंग से तैयार। देवरिया से चंदन गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज 18।